कारों में वो बने हुए पेंटिंग वगैरह। सो दीप हम अपना फोटो शूट करेंगे आज, और आज हम सारे शूट चैनल सूरज रावत। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो। सो अभी मैं जा रहा हूँ बीके, सो अपने भाई को छोड़ने के लिए। तो मेरे जो भाई है ना, जो बादल भाई का छोटा भाई सागर, वो आया हुआ था। सो उसको घर पे छोड़ के आऊँगा, मेरी स्कूटी वहीं पे है तो स्कूटी पर लेके आऊँगा अपनी। सो मैंने इनकी स्कूटी जा रहा हूँ, मैं साहिल और सागर तीनों जा रहे हैं। मस्त लग रहा था कुछ भी। पेट्रोल खत्म हो गया हमारा, साहिल को धक्का मार के ले जा रहा। और भाई पेट्रोल खत्म हो गया हमारा यार, पेट्रोल खत्म हो गया हमारा, बस हो ही गया। ले चल यार इसको। ओ माय गॉड, कितने पोलाइट होते हैं यार इंडियन, से एक दूसरे की हेल्प करते हैं। क्यों? अरे भारत देश में ऐसे पेट्रोल खत्म नहीं होता पहली बार। हाँ। और दूसरा ये वहाँ पे करते नहीं है शायद। तो गाइस अभी मैंने सागर को छोड़ दिया घर पे और मैं चलता हूँ। तो मैंने इसे जैकेट भी दे दी थी। तो गाइस मैं भी सागर को छोड़ के आ गया हूँ, तो मैं भी सागर की छत पे हूँ। और अभी हम जाने वाले हैं एक जगह शूट करने के लिए अपना, और आज का ब्लॉग वहीं का बनेगा पूरा। सो अभी तो मैं रेडी होकर आ गया हूँ। सो अभी आउटफिट देख सकते हो आप मेरा पूरा आज। सो गाइस साथ मैंने फुल ब्लैक पहना हुआ है। एंड अभी मैं बता दूंगा आपको कि हमें एक लोकेशन देखी पड़ी है, बढ़िया सी लोकेशन। सो वहीं पे जाएंगे, और मेरी तो स्कूटी है नहीं, बट नेम की अपाची लेके जाएंगे। तो वो भी अपाची लेके गया हुआ कहीं पे अपनी, तो अभी जैसे वो आएगा बट निकलेंगे। बाकी अब मैं अभी शायद घर पर बैठ के वेट करते हैं, कत्ता गाता वो, और उसके बाद निकलेंगे उस लोकेशन पर। यही जगह वो जहाँ पे हम अभी आ रहे थे, और ये मतलब इसमें दीवारों में वो बने हुए पेंटिंग वगैरह। सो यहीं पे हम अपना फोटो शूट कराएंगे आज, और अभी आपको सारे शॉट दिखाऊंगा। सो चलो गाइस देखो कितने सारे कमरों में सब कुछ, मतलब हर जगह यही है। ये देखो सारे कमरे बने हुए जितने में वही है। सो सही है चलो। टॉप पर है, और यहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन आ रही है आसपास की। सो गाइस अभी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कितनी बढ़िया लोकेशन है। सो अभी यहाँ पे शॉट लेंगे हम, और बहुत ज़्यादा पीछे देख सकते हो कितनी प्यारी लोकेशन है। सो चलो से, और अब मैं जाऊँगा घर पे। बाकी पीछे एक बिल्डिंग देखो कितनी बड़ी लग रही है, अभी अभी दुनिया पड़ी मेरी ब्लॉग बनाते बनाते। सो अच्छी लग रही है। ऐसे भी हम निकलते हैं घर के लिए, और अभी हमने
फोटो शूट करवा लिया, वीडियो बना ली, रील बना ली, ब्लॉग बना लिया, अब चलते हैं घर पे और मैं आपको सीधा घर पे जाके मिलूंगा। बाकी अभी देखता है कुछ खाने का प्लान बना, वैसे मैं बाहर का तो कुछ खा लेता हूँ, बाकी देख लेंगे कुछ जूस वूस अगर मिल गया तो खा लेंगे और पी लेंगे, सॉरी वरना चलेंगे घर पे। और सो चलो सब, हम टाउन पार्क आ चुके हैं। सो अभी चलते हैं हम यहाँ पे फाउंटेन, आज वो पड़ा ओन वो पड़ा है, सो आज फाउंटेन दिखाऊंगा आपको कैसा है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं जिम से आ रहा हूँ और मैं बता देता हूँ आपको, रात को मैं जैसे आया ना आकर मैं तो थोड़ी देर लौट आया था, लौटने के बाद मैं अपने रील्स और फोटो जो शूट करवाया था मैंने, सो उन्हें एडिट करके मैं अपलोड कर दिया था इंस्टाग्राम पे। सो मेरे को ज़्यादा ज़्यादा 15 से 20 मिनट आधा घंटा लगा हुआ उन सब में, बस इतने में मतलब मेरी तो आँख हल्की सी बंद हुई और मेरे को नींद आ गई। तो यार आजकल तो मतलब ऐसी मतलब लौटते ही नींद आ जाती है, और मतलब ठंड का टाइम है ना आजकल तो रजाई के अंदर बैठते हैं, सो ऐसे नींद आ जाती है बहुत जल्दी। और कल हमने बहुत इन्जॉय करा, सो अपना मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया था, बट वैसे मतलब रोटी वोटी तो खा ही सकते हैं, तो रोटी वोटी खा ली थी मैंने, सब्जी रोटी। बाकी मैं बता दूँ आपको कि मैंने आज वो कल में हमने बहुत ज़्यादा मज़े लिए और वहाँ पे गए थे हम शो शूट करवाने, बहुत प्यारी लोकेशन थी, उसकी वजह से प्यारी लोकेशन मैंने आज तक देखी नहीं थी, बट थोड़ा नीचे नीचे गंदा हुआ पड़ा था, बाकी इग्नोर कर देना, नीचे थोड़ा मतलब ऐसे कोई भी आया तो वहाँ पे प्याज व्याज के छिलके पड़े थे, पता नहीं क्या क्या पड़ा था, बट हमने ऊपर ऊपर से अगर फोटो शूट करवाया ना बंदा तो बहुत प्यारा फोटो शूट होता बंदे का। सो अभी मैं आ गया हूँ जिम से, अब आके बैठा था तो अभी चने वने खा के बैठा हुआ हूँ आराम से अपना, एंड आज का हमारा कहीं जाने का प्लान है वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा आपको। सो गाइस आज के लोगों को करते हैं यहीं पे एंड, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। सो गाइस अभी एक अंकल आए थे जो ऊपर रहते गाँव से आए थे, नेपाल में रहते हैं, तो वहाँ से वो लेके आए चाओ चाओ चाव चाव बोल देते हैं इसको, नूडल्स को, एंड ये चूड़ा चूड़ा बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं चूड़ा। सो ये लेके आए थे हमारे लिए गिफ्ट नेपाल का।